हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका मैप है, इसको आपको ध्यान से देख लेना है। देख, ठीक, यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ये आपके सात जो हैं आपके कंटिनेंट होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम इन कंटिनेंट के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। ठीक, देखिए विश्व का भूगोल है, ठीक, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक, ये इनका क्षेत्रफल का हिसाब है। और ये है विश्व की जनसंख्या, कितने परसेंट जनसंख्या रहती है। तो आप देखिए कि क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस कंटिनेंट में रहती है, वो है आपका एशिया, उसके बाद आपका अफ्रीका में सबसे ज़्यादा रहती है, फिर आपका यूरोप में सबसे ज़्यादा रहती है, और फिर उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और इस तरीके से। ठीक, विश्व का क्षेत्रफल देखिए सबसे ज़्यादा, सब ये क्षेत्रफल के हिसाब से ही हैं, तो आप इनको याद कर लीजिए। सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, ठीक, और उसके बाद सीधे अंटार्कटिका है, इसमें आप कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक, पाँचवें नंबर पर अंटार्कटिका है, ठीक, उसके बाद यूरोप है, और देन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सात कंटिनेंट होते हैं, इनको आप याद कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कंपेरिजन। ठीक है, अब इन कंपैरिजन का मतलब होता है इन इन जो कंटिनेंट्स हैं, इनमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे देखिए, क्षेत्रफल हमने याद कर लिया, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा 29.5% जो क्षेत्रफल है वो एशिया का है। सबसे बड़ा देश एशिया में कौन सा है, चीन है। सबसे छोटा देश कौन है, मालदीव्स है। सबसे लंबी नदी कौन सी है एशिया में, यांगटी सिक्यांग करके है, ये चीन में है। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, और गहनतम बिंदु मतलब सबसे एशिया में, पृथ्वी पर एशिया में जो उसकी सतह है उस पर सबसे डीप बिंदु कौन सा है, उसको कहते हैं मृत सागर, डेड सी। ऐसी अफ्रीका में देखते हैं, अफ्रीका दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के हिसाब से है। सबसे बड़ा देश जो है अल्जीरिया है, सबसे छोटा देश मेओटी है, सबसे लंबी नदी नील नदी है, सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट किलिमंजारो है, सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है, और आपको याद करना पड़ेगा विक्टोरिया से ही नील नदी निकलती है। ठीक, सबसे गहनतम बिंदु मतलब सबसे डीपेस्ट बिंदु जो है वो असाल झील है। साउथ नॉर्थ अमेरिका में क्या है, नॉर्थ अमेरिका 16.5% है, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा देश कनाडा है, सबसे छोटा देश सेंट पीरे है, ठीक, मिसिसिपी मिसौरा जो है सबसे लंबी नदी है नॉर्थ अमेरिका की, माउंट मैकिनले, ठीक है, माउंट मैकिनले जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, लेक सुपीरियर सबसे बड़ी झील है यहाँ की, और डेथ वैले, ठीक है, यहाँ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। ऐसी साउथ अमेरिका में चलते हैं, साउथ अमेरिका 12% है टोटल आपके लैंड के। उसके बाद सबसे बड़ा जो जगह है वो सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, सबसे छोटा फॉकलैंड द्वीप है, उसके बाद सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, सबसे ऊंचा पर्वत एक्वांका है, ठीक है, और सबसे बड़ी झील नहीं है यहाँ पे, गहनतम बिंदु लैगून डेल कार्बन है यहाँ। ठीक, फिर चलते हैं यूरोप में, यूरोप 6.8% है, ठीक, सबसे बड़ा देश रूस है, और रूस एक ऐसा देश है जो रशिया, वो सॉरी रूस यूरोप और एशिया दोनों में उसके वो पड़ता है। ठीक, वेटिकन सिटी जो सबसे छोटा देश है यहाँ का, वोल्गा, वोल्गा नदी सबसे लंबी नदी है, माउंट एल्ब्रुस, ठीक है, एल्ब्रुस जो है वो आपका यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ माउंट एल्ब्रुस जब आएगा, ब्रूस, ठीक है, ब्रुश करके जब आएगा तब समझ लिए आप यूरोप में, और एल्बुर्ज आएगा, बुर्ज, तो बुर्ज खलीफा से याद रखना आप, कहाँ है वो ईरान में है। ठीक है, सबसे लंबी सबसे बड़ी झील कौन सी है, लडोगा, और सबसे गहनतम बिंदु है कैस्पियन सागर। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया 5.9% पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट का, नीरू सबसे छोटा है, मरे डार्लिंग, ठीक है, इसको याद करने का तरीका ऐसे ही है। ठीक, और पुकांग जया जो है यहाँ का सबसे ऊंचा शिखर है, और आयर जो है वो सबसे बड़ी झील है, और आयर झील ही सबसे गहरी भी है। एंटार्क्टिका में सिर्फ आपको इतना याद करना है, एक तो आपको याद करना है कि पाँचवें नंबर का सबसे बड़ा कंटिनेंट है, उसके बाद याद करना है कि माउंट मैसिव जो है, ठीक है, ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, और डीप लेक यहाँ का सबसे गहनतम है। आगे बढ़ते हैं, एशिया पे आते हैं हम, एशिया में क्या है, देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ये, कुल क्षेत्रफल का 29.5% है, जनसंख्या 60% रहती है, ठीक है, और एशिया महाद्वीप प्राथमिक रूप से मुख्यतः पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में विस्तृत है, मतलब आपका ये आपका ग्लोब हो गया, ठीक है, ये आपका इक्वेटर हो गया, तो ये उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्थ, इक्वेटर के ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है, और ये पूर्व मतलब ईस्ट, इस साइड में विस्तृत है ये, ठीक है।
यह पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर तथा उत्तर में अटलांटिक आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आपका पूर्व में देखिए, पूर्व में ये देखिए आप, ये ग्लोब है, ठीक है, तो ये इंडिया हो गया अपना, तो पूर्व में आपका ये पैसिफिक ओशन हो जाता है, ठीक, और आपका दक्षिण में पूरा हिंद महासागर आ गया है, और पोल पे जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर आर्कटिक सी है, ठीक। और ये कंटिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक। पामीर का पठार यहीं पर है, जिसको विश्व की छत बोला जाता है। एशिया महाद्वीप कुल देश 49 देश हैं फिलिस्तीन को मिला के। एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, न्यूनतम जनसंख्या वाला देश मालदीव्स है, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये देखिए आप एशिया को ध्यान से देख लीजिए, ये रशिया हो गया, ये आपका पूरा इंडियन ओशियन हो गया, ठीक है, और ये आपका पैसिफिक ओशियन हो गया, और यहाँ पर आपका आर्कटिक ओशियन हो गया, ये चीन हो गया, ठीक है। देख मैप देखिए, आपको कितना बढ़िया मैप है, तो इसको आप याद कर सकते हैं अच्छे से, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं अफ्रीका, अफ्रीका का मैप देख लेते हैं एक बार। अफ्रीका का मैप देखिए ये है, ठीक, ये अटलांटिक ओशियन यहाँ लगा हुआ है, इसके इंडियन ओशियन इधर पूर्व में लगा हुआ है, और ऊपर की साइड आपका मेडिटेरियन सी हो गया, ठीक। तो ये देखिए आप, ठीक है, ये देखिए अल्जीरिया ये रहा, ठीक, सूडान ये रहा, साउथ अफ्रीका ये रहा, ठीक। बढ़ते हैं पीछे, देखिए ये जो है सबसे बड़ा आपका, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिब्राल्टर संधि से ये यूरोप से अलग होता है। जिब्राल्टर संधि कहाँ है, तो देखिए ये जो आपको मोरक्को का पार्ट दिख रहा है, ठीक, ये मोरक्को वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये जिब्राल्टर से एक वो है, जल संधि है, उससे इसके ऊपर ऊपर यूरोप पड़ जाता है, ठीक। तो आप देखिए अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर में भूमध्य सागर, ठीक, उत्तर पूर्व में स्वेज नहर, लाल सागर, सिनाई द्वीप, और दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, मैंने आपको बताया अभी। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि ये डार्क कंटिनेंट बोला जाता है, अंध महाद्वीप, पठारी महाद्वीप है, मतलब इसके हर एक जो जगह है वो ऊंची है थोड़ी सी। देखिए पठार और पर्वत में अंतर क्या होता है, पठार नुकीले होते हैं और पर्वत थोड़ा नॉर्मल सतह से ऊंचे होते हैं, लेकिन वो सपाट होते हैं, ठीक। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ कर्क, मकर और भूमध्य रेखा तीनों काटती हैं, देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, ये हो गई, ठीक है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा और ये भूमध्य रेखा, ठीक है, ये तीनों काटती हैं आपकी, ठीक। अब इसका जो महाद्वीप में 54 देश हैं टोटल, 54, और 2011 में नया देश बना इसमें दक्षिणी सूडान, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, किसका है, अल्जीरिया सबसे बड़ा है। उसके बाद बढ़ते हैं, देखिए अल्जीरिया ये रहा, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का मैप देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका देखिए ये है, उत्तरी अमेरिका में ज़्यादा वो नहीं है, कंट्री नहीं है, कनाडा, यूएस और मेक्सिको मेनली इसमें है, ये छोटे छोटे देश हैं यहाँ, ठीक। इसके देखिए पूर्व में अटलांटिक लगा हुआ है, पश्चिम में आपका पैसिफिक लगा हुआ है, और उत्तर में आर्कटिक लगा हुआ है, और ये नीचे को देखिए, ये नीचे को पनामा, ठीक, ये पनामा देखिए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें, देखिए 1592 में कोलंबस ने इसकी स्थापना, इसकी इसको खोजा था, ठीक है। अमेरिगो वेस्पुसी के नाम से एक इसका पूरे देश, पूरे अमेरिका का नाम पड़ा। पनामा नहर जो है वो 25% व्यापार है, और उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है, ठीक, मैंने अभी आपको बताया। गेहूं का सबसे सर्वाधिक उत्पादन ही होता है, इसलिए रोटी की कटोरी बोला जाता है इसको, ठीक है। ये पूरी तरीके से नॉर्थ आपका गोलार्ध में है, ठीक है, आपका ये जिस तरीके से होता है ना, ये इक्वेटर हो गई, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, तो अमेरिका जो है पूरी तरह यहाँ अवस्थित है, ठीक। उसके बाद यह महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक, पूर्व में अटलांटिक, पश्चिम में और दक्षिण में प्रशांत महासागर, और दक्षिण पूर्व में कैरेबियन सागर से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका की कुल देशों की संख्या जो है वो 23 है, ठीक। तो देखिए ये जो है यहाँ पर जो है ये जमैका, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये है आपका कैरेबियन सी, ठीक। उसके बाद आपका शुरू होता है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका कंटिनेंट जो है चौथा बड़ा कंटिनेंट है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पश्चिम में प्रशांत महासागर से, देखिए एक बार देख लीजिए आप, ठीक, ये पश्चिम में आपका यहाँ प्रशांत महासागर होगा, यहाँ अटलांटिक ओशियन होगा, ठीक है, और ये ऊपर पनामा है, इसके ऊपर लग जाता है आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक। तो देखते हैं इसको, अब टोटल जो है 13 देश हैं, ठीक है। यहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियंस बोला जाता है। सबसे ऊंचा जो है वो जो शेड्यूल सलाडो ज्वालामुखी, यही एंडीज पर्वतमाला में है, और एंडीज पर्वतमाला से आप याद कर लीजिए कि ये विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक है, ये देखिए ये एंडीज है, ठीक। और ये इस महाद्वीप का क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, आपको दिख रहा होगा, देखिए ब्राज़ील के सबसे बड़ा जो है वो ब्राज़ील है, ठीक।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आप यूरोप। यूरोप का पहले मैप देख लीजिए आप। यूरोप का देखिए मैप, सबसे ज़्यादा देश आपके इसी में मिलेंगे आप। देखिए ये रशिया हो गया, मैंने कहा था आपको रशिया जो है इस इधर का पार्ट जो है वो एशिया में पड़ता है, इधर का पार्ट यूरोप में पड़ता है। ये यूक्रेन हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ठीक है, और आपका ये हो गया यूके हो गया, नॉर्वे, ठीक, ये टर्की हो गया, ये ग्रीस हो गया। तो अब इसको देख लेते हैं हम क्या है। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जो जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। सबसे अच्छे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ एक भी आपका मरुस्थल नहीं है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक सागर से, पश्चिम में अटलांटिक से, दक्षिण में भूमध्य सागर सागर से, दक्षिण पूर्व में काला सागर से जुड़ा हुआ है। 50 देश हैं, ठीक है, और इसके उत्तर में द्वीप समूह जो है वो ब्रिटिश है। देखिए ब्रिटिश कौन सा है, देखिए ये देखिए ब्रिटिश आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया मेडिटेरियन सी, ठीक, ये अटलांटिक हो गया यहाँ पे, ये आर्कटिक हो गया, ठीक। उसके बाद रूस एक इकलौता देश है जो दोनों में है, एशिया और यूरोप दोनों में है। मैदानों की सर्वाधिक विस्तार वाला, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ मैदान है। यूरोप क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, जनसंख्या में भी, ठीक है। सबसे छोटा सिटी वेटिकन सिटी है यहाँ का। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग जो है इंग्लिश चैनल करता है, ठीक। दोनों विश्व युद्ध में, दोनों जो वर्ल्ड वॉर हुआ है वो यूरोप में ही हुआ। आप देखिए इंग्लिश चैनल कहाँ है, इंग्लिश चैनल देखिए ये रहा, ये जो फ्रांस को अलग करता है इसको इंग्लिश चैनल बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से पहले ऑस्ट्रेलिया का मैप देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया का देखिए ये ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है, ये न्यूजीलैंड आता है इसमें, वनुआतू आता है इसमें, इंडोनेशिया का इधर का पार्ट आता है, और पपुआ न्यू गिनी आता है, ठीक। सोलोमन आइलैंड भी यहीं आता है। वो क्वेश्चन पूछता है सोलोमन आइलैंड कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया आपके उसमें है। वो देखिए कप्तान जेम्स कुक और एबल तस्मान ने इसकी खोज करी थी। द्वीपीय महाद्वीप बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे द्वीप हैं। आप देख लीजिए एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत सारे द्वीप हैं इसमें, ठीक, जो कि जो एक दूसरे से जुड़े नहीं है। चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। बॉक्साइट का सबसे सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ पे। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिएशिया और ओशियाना विस्तृत भाग माना जाता है, ठीक। इसको देख लिया। अब अंटार्कटिक हो गया। अंटार्कटिक देखिए ये जो बिल्कुल साउथ में जो आप जाओगे उसको अंटार्कटिक के साउथ पोल, देखिए इसको ही साउथ पोल बोला जाता है ये, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए आप, ठीक है, ये आर्कटिक सर्किल हो गया, ये मेडागास्कर हो गया, तस्मान हो गया, ये आपको पास पास दिख रहे हैं लेकिन ये काफ़ी दूर पड़ते हैं ये, ठीक। ये जो आपका इनर सर्किल होता है इसको बोलते हैं आपका एंटार्कटिक, ये हमेशा जमा रहता है। देखिए विश्व का पांचवा सबसे बड़ा आप हिमाच्छादित, मतलब बर्फ जमी रहती है यहाँ पे। आर्कटिक क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है ये, साउथ पोल में, ठीक है। महाद्वीपीय दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। भारतीय दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, ये भारत के वहाँ पर रिसर्च केंद्र है, इनको तो आप रट लीजिए। भारतीय दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है, मतलब यहाँ पर सिर्फ खोजबीन होती है, कोई आदमी रहता नहीं है यहाँ, ठीक। तो देखिए आपका ये कंप्लीट हो गया टोटल, ठीक है। और अगर आपको इससे आपको हिस्ट्री का भी अगर इस तरीके का फैक्चुअल पॉइंट चाहिए जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको आई बटन पे उसको डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक। हम अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इस तरीके से, जितने भी फैक्चुअल पॉइंट होंगे जो आपके SSC CGL वगैरह जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें आपका काम आएंगे।